अब आपको राजनीति के बारे में बताते हैं। अब हम आपको कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई चिंता के बारे में बताएंगे। सोनिया गांधी ने संसद में यह मांग की है कि चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगनी चाहिए और फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को हैक कर लिया है। इससे पहले कांग्रेस चुनाव हारने के बाद हमेशा से ये बहाना मारती थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हैक कर लिया गया है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बिल्कुल नया बहाना सोचा है। इस बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ही लोकतंत्र को हैक कर लिया है और वो सोशल मीडिया पर चल रहे दुष्प्रचार की वजह से हारी है। ये चुनावी हार का बिल्कुल ताजा तरीन और एकदम नया बहाना है। थ्रू यू आई अर्ज द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड टू द सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस एंड इंटरफेरेंस ऑफ फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया जायंट्स इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। This is beyond partisan politics. Okay. We need to protect our democracy and social harmony, regardless of who is in power. तो सोनिया गांधी संसद में ये कह रही हैं कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इन्होंने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है, लोकतंत्र को हैक कर लिया है और ये चुनावों को भी प्रभावित कर रहे हैं। सोनिया गांधी को यह तो दिख रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिख रहा कि कांग्रेस भी खतरे में है। आज कांग्रेस पार्टी अपनी हार के लिए उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार मान रही है जिनकी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक समय उसने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। और आज आप देख लीजिए कि आज कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से वो हार रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया की अगर बात मानने लगे लोग तो सोशल मीडिया ने तो उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव को जिता ही दिया था। कांग्रेस उस सोशल मीडिया पर सवाल उठा रही है जिस पर यह माहौल बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आ रहे हैं और योगी हार रहे हैं। जिस सोशल मीडिया पर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की फिर से सरकार बनने का दावा किया गया था और ये बातें चल रही थी कि चन्नी बहुत लोकप्रिय हैं और राहुल गांधी ने एक जबरदस्त ट्रंप कार्ड खेला है। राहुल गांधी ने बड़ी समझदारी भरा फैसला लिया है चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर। और ये वही सोशल मीडिया है जिसने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया था। आपको नवजोत सिंह सिद्धू का 2018 का वो भाषण आज भी जरूर याद होगा जिसने सोशल मीडिया पर उन्हें कांग्रेस का हीरो बना दिया था। तब उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में शेर पढ़े थे और सोनिया गांधी के पैर भी छुए थे। असल में सोनिया गांधी से गलती ये हुई कि और कांग्रेस के नेताओं से गलती ये हुई कि उन्हें अच्छे सही नेता की पहचान नहीं है। उन्होंने गलत लोगों का चुनाव कर लिया। वो खुद सोशल मीडिया पर जो चल रहा था उस पर भरोसा करके खुद ही सोशल मीडिया का शिकार हो गए और आज वो उसी सोशल मीडिया को दोष दे रहे हैं। आज आपको कुछ साल पुराना नवजोत सिंह सिद्धू का एक भाषण हम सुनाना चाहते हैं और सोचिए सिद्धू ने कैसे इस भाषण के जरिए सोनिया गांधी को अपने मोह में फंसा लिया। मैं अपने आराध्य सदाशिव शंभू की आज सौगंध लेता हूं। अपनी नेक मां जिसका मैंने दूध पिया था उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूं। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी थमणियों में लहू है राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। कांग्रेस पार्टी में चाटुकारिता की हद देखिए। अब गलती किसकी बताई जाए, सिद्धू की गलती मानी जाए या सिद्धू के इन खोखले दावों पर विश्वास कर लेने वालों की गलती मानी जाए? कांग्रेस में चाटुकारिता की कोई कमी नहीं है, इतने सारे चाटुकार हैं और हर चाटुकार ने सिद्धू के इस बयान पर विश्वास कर लिया। सोनिया गांधी को विश्वास हो गया कि सिद्धू जो कह रहे हैं वो यही है और मेरे पुत्र को एक दिन सिद्धू प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। हमें लगता है सोनिया गांधी को सोशल मीडिया पर कांग्रेस के घटते फॉलोअर से ज्यादा चुनावों में कांग्रेस के घटते वोट की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया को दोष देने की बजाय ये समझना चाहिए कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर कहां पर गलती कर रही है।
और एक गलती तो हम आपको आज ही बता देते हैं। चुनाव हारने के बाद सोनिया गांधी ने अपने 5 प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे भी ले लिए हैं। वो 5 राज्य जहां पर चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी हार गई, उन सब की तस्वीरें आपके सामने हैं और इनमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी है, जिन्हें बड़े जोर शोर के साथ गांधी परिवार ने ही पीसीसी अध्यक्ष बनाया था, पंजाब का अध्यक्ष बनाया था। और एक जमाने में सिद्धू के मन में यह गलतफहमी भी गांधी परिवार ने ही डाली थी कि वो अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, और सिद्धू खुद भी इस गलतफहमी में आ गए और पूरी कांग्रेस पार्टी भी इसी गलतफहमी में रह गई। लेकिन ना तो अपने बेटे पर सोनिया गांधी ने अभी तक कोई कार्रवाई की है और ना ही अपनी बेटी से इस्तीफा लिया है। बड़ी बात यह है कि इन 5 प्रदेश अध्यक्षों से सोनिया गांधी ने कह दिया अपना अपना इस्तीफा भेज दीजिए। 24 घंटे के अंदर 5 ने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या सोनिया गांधी ने अपने पुत्र से एक बार भी ये पूछा कि क्या वो हार की जिम्मेदारी लेंगे? क्या उन्होंने अपनी पुत्री से एक बार भी ये पूछा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ये जो बुरा हाल हुआ है, क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए क्या वो जनरल सेक्रेटरी के पद से, महासचिव के पद से इस्तीफा देंगी? तो ऐसा क्यों कि बाकी के नेताओं को तो इस्तीफा देना पड़ रहा है और सोनिया गांधी के इन दोनों बच्चों से किसी ने कोई इस्तीफा नहीं मांगा? गांधी परिवार का मानना है कि इन राज्यों में पार्टी को जो हार मिली है उसके लिए ये नेता जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि यही नियम और कानून कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार पर आखिर लागू क्यों नहीं होता? और जब तक ये नियम कानून अलग अलग लोगों पर रहेंगे, नेताओं पर, बाकी लोगों पर, कार्यकर्ताओं के लिए अलग नियम और गांधी परिवार के लिए अलग नियम, तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। 2014 के बाद से अब तक 45 चुनाव हो चुके हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी ने 45 में से 40 चुनाव हारे हैं, यानी गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर साल औसतन 5 चुनाव हार रही है। लेकिन इसके बावजूद ना तो सोनिया गांधी का इस्तीफा होता है, ना राहुल गांधी अपने पद से इस्तीफा देते हैं और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा की जिम्मेदारी तय की जाती है। राहुल गांधी को एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर बहुत अच्छा किया, लेकिन वो आज भी कांग्रेस अध्यक्ष की तरह ही व्यवहार करते हैं और आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष मानते हैं क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। आज सोनिया गांधी के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये होगा कि वो खुद पार्टी अध्यक्ष बनी रहें। तो आज एक फॉर्मूला है जिस पर कांग्रेस के तमाम लोगों को सोचना चाहिए, जो उनका G23 का ग्रुप है उन्हें भी सोचना चाहिए, और वो ये है कि सोनिया गांधी से बेहतर इस समय कांग्रेस में कोई और नेता नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए वो खुद पार्टी अध्यक्ष बनी रहें, लेकिन अपने दोनों बच्चों को अब उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर कर देना चाहिए, वरना कांग्रेस में जो थोड़ी बहुत जान बची भी है वो जान भी बहुत जल्द निकल जाएगी। राहुल गांधी कांग्रेस के सिर्फ एक लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन वो पार्टी में सारे बड़े फैसले आज भी ऐसे लेते हैं जैसे वही कांग्रेस अध्यक्ष हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने से लेकर चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने तक सभी बड़े फैसले राहुल गांधी ने ही लिए। वो चुनावों में कांग्रेस के लिए रैलियां भी करते हैं, बड़े बड़े ऐलान भी वही करते हैं जैसे वही पार्टी के अध्यक्ष हों, जबकि वो पार्टी में सिर्फ एक सांसद हैं, उनके पास कोई औपचारिक पद भी नहीं। सबसे बड़ा पद तो यही है कि वो सोनिया गांधी के पुत्र हैं। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा आज तक ना तो कभी विधायक बनी, ना ही सांसद बनी, उन्होंने कोई बड़ा चुनाव जीता नहीं, ना ही उन्होंने कोई चुनाव लड़ा, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ती है, उन्हें पार्टी में तुरंत महासचिव बना दिया जाता है और महासचिव का पद इतना बड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई दूसरा नेता हो तो महासचिव बनने में उस नेता को कम से कम 15 से 20 साल तो जरूर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कांग्रेस जैसी पार्टी में कोई महासचिव बनता है। लेकिन प्रियंका गांधी को वाड्रा को कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे महासचिव बनी। प्रियंका गांधी वाड्रा को यह पद आसानी से थाली में रखकर मिल गया। इसलिए सोनिया गांधी कांग्रेस को अगर पुनर्जीवित करना चाहती हैं तो उन्हें पार्टी के बड़े फैसलों से अपने दोनों बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दूर रखना होगा। उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा को एक साधारण कार्यकर्ता की तरह उनके साथ व्यवहार करना होगा और राहुल गांधी को सिर्फ एक लोकसभा सांसद मानकर उनकी शक्तियों को कम करना होगा, और खुद उसके बाद जब वो पार्टी अध्यक्ष बनी रहेंगी तो लोग उनकी बातों को ज्यादा स्वीकार्य करेंगे, उनके कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाएगा कि अब कांग्रेस पार्टी वाकई में लोकतांत्रिक हो चुकी है और अब वहां पर एक परिवार का शासन नहीं चलता। Presented.
presenting Zee News app, available on Google Play and App Store. Download it now.